मेडिकल कोच सुविधा उपलब्ध करावા બાબતે સર્કિટ હાઉસ ખાતે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। मेट्रो मेडिकल सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा छेल्ला 7 वर्षथी मांगणी करवामां आवी रही छे के भारतीय रेलवे में कोई पण दुर्घटनामां तात्कालिक धोरणे रेल यात्रीओने मेडिकल सुविधा मिली रहे ते अंगेनी ट्रेननी अंदर ज मेडिकल कोच होवो जरूरी होय ते माटे देशना वडाप्रधान स्वास्थ्य मंत्री रेलवे मंत्री सुधी पण अमारी मांग पहोंची सके ते माटे अनेक रजूआतो करवामां आवी रही छे। भारत में लांबी सफरनी अनेक ट्रेनो छे के जेमां सारो समय लागे छे तो लोकोने ट्रेन में पण सुविधाओ मिली रहे ते माटे अनेक वखत सरकार समक्ष रजूआतो करवामां आवी रही छे जेमां मुसाफरोने ट्रेन में ज डॉक्टरी सुविधाओ मिली रहे अने जमवा माटेनी पण बधा ज प्रकारनी सुविधाओ मिली रहे ते माटे मेट्रो मेडिकल सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा अनेक वखत इलेक्ट्रॉनिक अने प्रिंट मीडियाना माध्यमथी रजूआतो करवामां आवी हती जेनो आज दिन सुधी कोई पण प्रकारनो हल लावामां आव्यो नथी, परंतु लोकोनी सुविधाने जल्दीथी ध्यानमां लईने आ मांगणीओ स्वीकारवामां आवे तेवी मेट्रो मेडिकल सार्वजनिक ट्रस्ट इच्छे छे। से जमशेद अली है और मेरा संस्था का नाम है मेट्रो मेडिकल सार्वजनिक ट्रस्ट कोलकाता, सूरत गुजरात से रजिस्ट्रेशन है। किस तरह की मीटिंग की है आज? जो मीटिंग रखा है ये हमारा रेलवे मुद्दे में है। हिंदुस्तान के अंदर जो लंबी सफ़र ट्रेनें चलती है उसके अंदर बहुत सारे हादसा देखने मिलता है और जो है उसके अंदर एक मेडिकल कोच हो जिसमें डॉक्टर को सुविधा हो, दवा का सुविधा हो, ऑक्सीजन का सुविधा हो, बेड के सुविधा हो, जैसे खाने पीने के कोच है, माल सामान ले जाने के कोच है, ऐसे एक मेडिकल कोच उसके अंदर सुविधा हो जिसमें पूरी भारत देश की जनता को किसी को एक राज्यों से लेकर दूसरे राज्यों तक अगर सफ़र करना हो तो आसानी से सफ़र कर सकेगा। अगर ऐसे बीमारी लोग अगर उसको टिकट नहीं मिलता है, कोई यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हर राज्यों में एक सिटी में लोग बिजनेस के तौर पर, नौकरी के तौर पर आता है। और ये मांग आज से नहीं, मेरे 5 साल पुराना मांग है। मैं देश की बड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारा देश की, भारत देश की रेल मंत्री को और हमारा गुजरात की राज्य जो राज्यों की जो रेल मंत्री हो, जो दर्शना बहन जरदस है हमारा, अभी हमारे राज्यों की रेल मंत्री बनी हुई है, हमें इनसे हमें जो है मीटिंग करना है। हमारा एक मांग है पूरी देश के अंदर जितने भी लंबी ट्रेन है इसके अंदर मेडिकल कोच की सुविधा मिले। अभी तक मेरे मांग पूरी नहीं हुई, मैंने हर जगह अर्जी दे के गया। अभी एक हफ्ता पहले दर्शना बहन जरदस को मिलने के लिए गया, मिला नहीं, वो थोड़ा बाहर था, सफ़र में था। रेलवे में बहुत 2015 से मैं वहाँ अर्जी दे रहा हूँ। हाँ, नरेंद्र मोदी जी को भी मैंने पोस्ट किया है, रेल मंत्री को, गोयल सब जब थे जब भी हमने ईमेल किया था, पोस्ट किया था, वो भी मेरे को जवाब नहीं आया। तो हम पूरी देश के अंदर एक इसकी आवाज़ उठाएंगे। अभी हमारा पास 100 लोग जुड़े हुए हैं, अभी हमने मीटिंग के अंदर 30 लोग यहाँ बैठे हैं, किसी की चर्चा की, दूसरा कोई चर्चा नहीं। पूरी हर देश की प्लेटफॉर्म के ऊपर मेडिकल की सुविधा हो, हर एक एम्बुलेंस हर प्लेटफॉर्म में हो, जैसे बॉम्बे में देखने में मिला है, इस तरह हर राज्यों में, हर बड़ी बड़ी स्टेशनों में एक एम्बुलेंस का सुविधा हो। चालू गिरने में आदमी गिरता है, कट जाता है, पेट कट जाता है, जिंदा होते कोई उठाता नहीं, जब तक जीआरपी आरपीएफ नहीं आते कोई पब्लिक भी हाथ नहीं लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, LK स्टार न्यूज़, सूरत।